कि जहांगीरपुरी में पुलिस का जबरदस्त पहरा है, क्योंकि रामनवमी को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उत्तरी दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका, जहां पिछले साल हिंसा हुई थी, काफी सेंसिटिव ये इलाका है और इस बार कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए दिल्ली पुलिस ने कमान संभाल ली है। डीसीपी ने पुलिस जवानों से कहा है कि अलर्ट रहें, संवेदनशील इलाकों में मार्च करें, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें देखिए, इससे साफ हो रहा है कि इलाके में अभी भी संवेदनशीलता बनी हुई है, संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है, जुलूस पर मनाही है, यानी कि धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है। जमीन से आसमान तक पुलिस का यह पहरा और भारी पुलिस बल के साथ साथ यहां पर आरएएफ की तैनाती भी की गई है। उधर यहां हरिद्वार में बाबा रामदेव ने आज संन्यास दीक्षा दी। सन्यासी दीक्षा समारोह में बच्चे, युवाओं, इनको सन्यासी बनाया गया है। तो हरिद्वार हर की पैड़ी पर इसका आयोजन हुआ, रामनवमी के मौके पर सन्यास दीक्षा समारोह। अचिक्रदत्स्वमुन्नाय नमः सारातौम्यम् दोरे जित्सन्दामर्षास इन्द्रमाच्चावयन्द सख्याय विप्रम् यद्गायत्रीं ब्रूहति मर्गमस्मै सौत्राणिया ददरु। कहा गया है कि जो पुरुष अपने कर्म फल पर निर्भर ना रहकर कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी है, ना कि वो जो कि सिर्फ अग्नि का और फिर अपने क्रियाओं का त्याग करता है। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम विद्वान और विदुषी हमारे साथ हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं वो तमाम साधु हैं जो कि आज संन्यास ग्रहण करेंगे और संन्यास दीक्षा इन्हें देंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आज का दिन बेहद पावन है, सनातन धर्म के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, आज के दिन के बारे में बताएं। जो आपने अभी भगवद गीता का संदर्भ कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धीति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धोर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। ये जो आज सन्यासी बन रहे हैं बालक, ये विद्वान और विदुषियां, और इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई पलायनवादी नहीं है, कोई प्रमादी नहीं है। खास बात यह है कि इसमें कोई जातिवादी नहीं है, एक जाति विशेष के नहीं है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सवर्ण, अगड़े, पिछड़े कहकर के रगड़े डाले गए थे, वो सारे रगड़े झगड़े हमने खत्म कर दिए। आज सनातन के रंग में पूरे वर्ग, पूरा समाज के वो भाई बहन आए जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें सन्यासी होकर के देश, धर्म, संस्कृति का उपकार करना है,